समाज सेवी अहमदाबाद से हैं, उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा लाल सिंह जी से कि उनका माला और सरपा पहना कर अभिनंदन करके उनका स्वागत करें। जी क्या देखते हैं समाज में एक नया मैं समाज के अंदर ऊर्जावान युवाओं के लिए शुभकामना करता हूँ जो समाज और राष्ट्र की चिंतन करते हैं और उनके लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे ऊर्जावान युवाओं को बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देता हूँ। आपका जो भगीरथ प्रयास पहले सदियों पूर्व रहा था, पूरा देश आपका भगीरथ प्रयास चाहता है कि आपके युवा खड़े होकर के और देश को उन उपलब्धियों तक ले जाए, उच्च शिखर पर ले जाने अपना योगदान तक करें, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। क्योंकि आपके समाज ने भगीरथ प्रयास किया और तब जाकर के गंगा अवतरित हुई थी और ऐसा ही मैं चाहता हूं कि अब भगीरथ प्रयास पुनः आप सब करेंगे और ये देश पुनः विश्व शक्ति बनकर के मार्गदर्शन करेगा, विश्व गुरु बनेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना। तो यहां पर संतों का आशीर्वाद जो है वो प्रदान हुआ है। सभी वोट समाज को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और समाज इस तरह से एकता रख के कोई काम करे, आगे बढ़ाए तो समाज का आगे जाके उत्थान होगा। और आज समाज को एक साथ एकजुट रहने के लिए आज हम लोगों को समाज को एक कदम पर देख के बहुत बड़ी खुशी हुई। बाबा रामदेव जी का आशीर्वाद बना रहे हैं आप। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। तो संतों का आशीर्वाद प्रदान हुआ है, कैसा लगा पुरा जी आज? आज जो हमारे वोट समाज के बारे में मंत्री पर प्रताप गुरु जी महाराज ने जो उद्बोधन दिया है उसे सुन के हमें बड़ी खुशी हुई है। आज संतों से मुख्य संतों के मुख से सुनकर ये आशीर्वाद हमें बहुत अच्छा लगा और आशा करते हैं संत हमेशा जो वाणी कहते हैं वो सत्य होती है। हम लोगों को बड़ी मेहनत करके इस समाज को एक नई दिशा की ओर लेके चलना है और कुछ बताना है समाज में भी कुछ ऐसा है जो वो सब कुछ कर सकते हैं। जो आज इस प्रोग्राम के अंदर युवाओं का जो जोश है मुझे लगता है समाज में हिस्सा के आगे आगे बढ़ेगा और एक अच्छा होगा। सभी की भागीदारियाँ हुई, संतों की भागीदारी हुई, क्या सोचते गुरु जी समाज किस ओर प्रगतिशील हो रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है, सभी का मेन दिन हो रहा है और पूरे हिंदुस्तान से लोग बन बन गए हैं, ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, संतों की भागीदारी यहाँ पे हो रही है क्या, और आप अपना घर का एक महत्वपूर्ण कार्य छोड़ के भी समाज के इस महासम्मेलन में बधा रहे हैं, ये कैसे हुआ? इससे मिलने के लिए हमें दर्शन हो जाए, इसको समाज का है और कहाँ कहाँ से है सबको दर्शन हो जाए तो अच्छा होगा, इसलिए कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ समाज के बारे में नई जानकारी मिलेगी, आगे क्या होने वाला है भविष्य में उसकी नॉलेज मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है बीएल साहब राजा जी का करेड़ा भीलवाड़ा उदयपुर से, आप अध्यापक हैं, हमारे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि आप शिक्षित और एक शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। निश्चित रूप से अब समाज की प्रगति धीरे धीरे हो रही है और आपकी भागीदारी ये प्रमाण करती है कि समाज भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेवाराम जी का सम्मान किया जा रहा है। नहीं, कोई गलती नहीं है।